क्यों रे सखी, खत्म कर लिया दूसरा प्राइमर? बांट दिए सबको प्रमाण पत्र? दूसरे प्राइमर को खत्म करके आज ही आई, अब तीसरे प्राइमर की होगी पढ़ाई। लेकिन तू आ जाए कैसे अकेले, कहाँ गए पति मोहद तेरे। तीन किताबें विद्वानों ने IPCL के तहत बनाई, वो सरल से कठिन, कठिन से कठिनतर, स्तर हर चीज का बढ़ता भाई। यानी एक ही किताब में पढ़ने का पाठ, लिखने का अभ्यास, सवाल, गिनती, सभी कुछ। और फिर इन्हें स्तर के हिसाब से तीन भागों में बांटा गया है। वो चित्र बने आकर्षक इनमें, हर पाठ में गिनती और लिखाई, और हर किताब में तीन जांच पत्र, जिनसे छात्र अपना स्तर जान पाए। उसी तरह पाठ के ऊपर मूल शब्द हैं, शब्दों से संबंधित चित्र हैं, लिपि संकेत हैं, ये पढ़ने का पाठ, ये अभ्यास पाठ है, और फिर जांच पत्र, और अंत में है ये प्रमाण पत्र। पाठ बने इनमें ऐसे हैं, छात्रों का करे पूरा विकास, 200 घंटे में वो पूरी तरह से पढ़ लिख पाए आत्मविश्वास। अरे वाह मेरी नटी की सखी, तूने तो कर दिया कमाल, पढ़ाकर दो प्राइमर, बदल गए तेरे भी हाल। अक्षर और काफी, संयुक्ताक्षर सिखा दिए, गिनती और जमा घटा के सवाल भी करा दिए, छोटे लंबे वाक्य बनाना, लिखना घर वालों का नाम, पता भी लिखना उन्हें सिखाया, चर्चा से सब सार्थक बनाया। पर इतना सब जब सिखा दिया, एक बात समझ ना आई, अरे अब इसके बाद किस लिए कराएं हम तीसरे प्राइमर की पढ़ाई। ओ भूल गई तू तुझको थी एक बात बताई, केवल अक्षर ज्ञान नहीं होती पूरी पढ़ाई। ओ जो किताबों में लिखा वो केवल अक्षर ज्ञान नहीं, उसके जरिए ज्ञान बढ़ाना शिक्षा का है अर्थ यही। अब देखो ये तुम लोगों को पत्र लिखना तो आ गया, लेकिन अब मैं तुम लोगों को अर्जी लिखना सिखाऊंगी। अर्जी? क्यों? हाँ अर्जी, इसमें हैरानी की क्या बात है? हमें अर्जी लिखने की क्या जरूरत है, घर में लड़के हैं, उनके बाप हैं। अरे बात आई, खुद पढ़ लिख कर भी जब दूसरों से काम कराया तो फिर क्या बात बनी? पर गीता, हमें अपने लिए तो कभी अर्जी लिखनी ही ना पड़े। अच्छा एक बात बताओ, इतने दिनों से सोच रही हो वो बिना धुएं वाला चूल्हा लगवाने के बारे में, लेकिन उसकी संस्था को अभी तक अर्जी नहीं लिखी, क्यों? इसलिए क्योंकि एक अर्जी लिखने के लिए तुम दूसरों पर निर्भर हो। हाँ सो तो है, तभी तो गीता दीदी कह रही है कि अर्जी लिखना सीख ले। अब मान लो कि तुम्हें चूल्हा बनाने वाली संस्था कोई अर्जी लिखनी हो तो कैसे लिखोगी? देखो सबसे पहले जिस दिन वो अर्जी लिखी जा रही है उसकी तिथि, अब जैसे 25/5/1992, ठीक। अब बाएं तरफ सबसे पहले लिखते हैं सेवा में। चिट्ठी अपनी हो या दफ्तरी, लिखना आना बहुत जरूरी, ना जाने क्यों कब किस धाम पड़ जाए इन सबसे काम, इसलिए अर्जी पाती क्यों है सीखनी ये छात्रों को समझाओ, सीख से कैसे सरल बने जीवन ये उन्हें बताओ। अब हम क्या करेंगे, जैसे हम लिखते हैं ना प्रिय भाई प्रिय बहन, वैसे ऐसी चिट्ठी में हम लिखते हैं महोदय या महोदया। फिर लिखेंगे परमात्मा की असीम कृपा से हम सब राजी खुशी हैं। अरे नहीं मौसी, दफ्तरी चिट्ठी में ऐसा कुछ नहीं लिखते भाई, वहाँ तो सीधा सीधा लिखते हैं सभी ने निवेदन ये है
अब जैसे मान लो आगे लिखना है कि हम आपकी संस्था द्वारा बनाया हुआ चूल्हा अपने घर में लगवाना चाहते हैं, कृपया हमें इस विषय में जानकारी दीजिए, उसके बाद अपना नाम और पूरा पता, और उसके बाद नीचे लिखते हैं भव दिया, ठीक, और उसके बाद नीचे अपना नाम लिख दो बस। अर्जी पाती लिखना सिखाना, गुणा भाग हल करना बताना, समय देखना, सही तौल और सही नाप कैसे बतलाना, तीसरे टाइमर में सिर्फ कहने से बात न बनती, आँखों से दिखलाएं, गीता की कक्षा में जाकर जरा देखकर आए। पानी और दूध कैसे नापा जाता है? लीटर से नापा जाता है ताई, और वजन की चीजें किलोग्राम और ग्राम से, और लंबाई मीटर से। हाँ, मैं क्या करता हूँ? क्या बातें हो रही हैं? बातें नहीं दीदी, पढ़ाई हो रही है। जो कल पढ़ा था ना, वो सब दोहरा लिया हमने। अब तुम लोगों को वक्त की कीमत पता चल गई है, अब तो तुम्हारी पढ़ाई जल्दी ही पूरी हो जाएगी। अच्छा देखो, आज तुम लोगों के लिए क्या लाई मैं। क्या लाई है? कोई खाने की चीज है? बट्टे हैं, ये देखो, ये देखो ये है नई चाल के बाट, जो आजकल के दुकानदार इस्तेमाल करते हैं। ये 1 किलो का बाट है, इसमें होते हैं पूरे 1000 ग्राम। और ये है 1/2 किलो का बाट, इसमें होते हैं 500 ग्राम। दिखाना तो दीदी जरा। ये देख भाई, पूरा 1/2 किलो का भी तो है। और ये देख, ये 200 ग्राम, ये 100 ग्राम, और ये 50 ग्राम। खेल खेल में तौल सिखाओ, माप सिखाओ, नाप बताओ, साथ साथ उनको धोखे से बचना है कैसे समझाओ। किलोग्राम में ग्राम बोलो होते कितने? 1000। लीटर में मिलीलीटर बोलो होते कितने? 1000। किलोमीटर में मीटर बोलो होते पूरे 1000। इस मैट्रिक प्रणाली को तुम याद सदा ही रखना, आगे की अब बात करो सखी को क्या क्या है करना। अब हम चलकर देखें गीता की कक्षा का हाल। अरे अरे, वो तो कहीं आ रही है। गुणा पढ़ाने में उसे कोई मुश्किल पड़ी, इसलिए वो अपनी सुपरवाइजर से मिलने चली। ऐसा मंजू बहन, देखो जब हमने बचपन में पहाड़े सीखे थे तो रट रटा के सीख लिए, लेकिन अब ये समझ नहीं आ रहा कि इन लोगों को पहाड़े समझाऊं कैसे। ओ देखो, किसी भी तरह का गुणा कराने से पहले ये समझाना जरूरी है कि गुणा जमा का ही एक रूप है। अभी बताती हूँ, देखो ऐसे, ये 2 + 2 + 2 हुए कितने? 6। यानी कि 2 को 3 बार जोड़ लो तो 6। आसान तरीके से 2 + 6। इसी तरह 2 + 2 + 2 + 2 4 बार जोड़ो तो 8। 2 × 8। हाँ अच्छा अच्छा, मतलब उन्हें ऐसे समझा दे कि पहाड़े और गुणा जो है वो जोड़ का ही एक रूप होता है। हाँ यही तो। ये तो मैं बताना ही भूल गया, सुपरवाइजर एक अनुभवी अनुदेशिका है, कोई भी मुश्किल हो तो उसकी सलाह लो। अच्छा एक बात बताओ, अगर तुम्हारे पास 2 पैसे का 1 सिक्का हो तो कितने पैसे हुए? 2, है ना? और अगर 2 पैसे के 2 सिक्के हुए तो कितने पैसे हुए? 4। और 2 पैसे के 3 सिक्के हुए तो? 6। देखा, ये बन गया 2 का पहाड़ा। यानी पहाड़ा जोड़ से बनता है। हाँ, ये गुणा जो है ये एक तरह का जोड़ का रूप होता है। अब जैसे देखो, 2 + 2 + 2 = 6। यानी कि 2 की संख्या को हमने जब 3 बार जोड़ा तो बना 6। यानी 2 × 3 = 6। ये गुणा का चिन्ह होता है और ये बराबर का चिन्ह होता है। अब ऐसे ही 2 × 4 = 8। हाँ, वैसे ही 2
देखा गीता, अब तो हम तेरे जितनी होशियार हो गई हैं। अरे होशियारी की तो तुम मुझसे पूछ। कल मैं लाला के यहाँ गई थी महीने का हिसाब चुकता करने, तो मुए ने मुझसे पूरे 4 रुपए ज्यादा मांगे। अरे मैंने भी सारी उधारी जोड़ के रखी थी, उसके मुंह के सामने घुमा दी, एक भी पैसा ज्यादा दे के नहीं आई। हाँ फिर तो मुआ चकरा गया होगा कि अब हम औरतें भी उधारी का पूरा पूरा हिसाब रखने लगी हैं। शिक्षा पाए सब हिसाब में, धोखे से बच पाए, अरे नया हिसाब उंगलियों पर शोषण को धता बताए। यही तो है शिक्षा का लाभ, हर शोषण का कड़ा जवाब। तीसरे प्राइमर से अनजाने गद्यांश पढ़ाकर उन पर थोड़े प्रश्न बनाकर पूछना उन प्रश्नों के जवाब, उनकी तरक्की का मिले हिसाब। तीसरे प्राइमर से हाँ अब जाना जो नया सिखाना, जीवन की बातों को नए ढंग से है समझाना। हमारे समाज में कई बहुत ही प्राचीन फूलो जी जी, आज बखत से पहले चांद कैसे उतर आया क्लास में? चुप रही जमीला, हर बखत 10 गज लंबी जबान फैलाती है। अरे जब घर में 4-4 बच्चे संभालने पड़ेंगे ना, तब फैलाइयो अपना जबड़ा। अरे मान लिया कि आज बड़ी गर्मी है, पर इतनी गर्म तो ना हो, बिचारी मजाक कर रही है। ले पढ़ ये पर्ची। हमारे समाज में कई बहुत ही प्राचीन विचार प्रचलित हैं, जैसे लड़की को हीन समझना, उसे लड़कों से कम शिक्षा देना, लड़की को अकेले बाहर नहीं जाने देना, उसकी सलाह नहीं लेना, यहाँ तक कि उसकी मर्जी के बिना विवाह कर देना, उसे सबकी आज्ञा मानने पे मजबूर करना। अब औरत को अपनी स्थिति अच्छी करनी होगी, उसे सोचना होगा, अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करना होगा। अच्छा ताई, पहला प्रश्न तू पढ़। लड़की के साथ कैसा व्यवहार होता है? बहुत बुरा होता है ताई, घर के लोग उसे ठीक से पढ़ने ही ना देते। उसकी मर्जी के खिलाफ शादी कर दें उसकी। तो फूलो जीजी, दूसरा सवाल तुम ही पढ़ो। औरत क्या क्या काम करती है? खाना बनाती है, बर्तन मांजती है, घर साफ करती है, पानी भरती है, लकड़ी लाती, उपले थापती है, सबकी देखभाल करती है, चारा काटती, खेती में हाथ बटाती, पैसे कमाती है। तो अब औरत को क्या समझने की कोशिश करनी चाहिए? उसे ये समझना है कि उसे अपनी स्थिति अच्छी करनी होगी और उसे पढ़ाई करनी होगी। बंधा हुआ है समय घड़ी से, घड़ी सीखना बहुत जरूरी, ठीक वक्त पर ठीक बात हो तभी तो होगी उन्नति पूरी। ये छात्रों को समझाओ और अपना लक्ष्य पाओ। समझी है जो कुछ उन्हें पढ़ाना, जीवन से संबंध बताना। तो चलो हम भी समय व्यर्थ ना गवाएं, जल्दी से गीता की कक्षा में झांक के आएं। इस घड़ी में ये 2 सुइयां दिखाई दे रही है ना तुम लोगों को, एक छोटी सुई और एक बड़ी सुई। तो ये छोटी सुई जो है ये तो हमें बताती है घंटे, और बड़ी सुई जो है ये बताती है मिनट। जब ये बड़ी सुई इस घड़ी का पूरा चक्कर लगा लेती है तो हो जाता है पूरा 1 घंटा। यानी कि और जो किताबों में लिखा वो केवल अक्षर ज्ञान नहीं, उसके जरिए ज्ञान बढ़ाना शिक्षा का है अर्थ यही। इसलिए अर्जी पाती लिखना सिखाना, गुणा भाग हल करना बताना, समय देखना, सही तौल और सही नाप कैसे बतलाना। तीसरे प्राइमर में अनजाने गद्यांश पढ़ाकर उन पर थोड़े प्रश्न बनाकर पूछना उन प्रश्नों के जवाब, उनकी तरक्की का मिले हिसाब। मनी ऑर्डर फॉर्म भरवाकर पैसा भेजना सिखलाना, तरह तरह की चर्चाओं से नई दिशाएं दिखलाना। तीसरे प्राइमर से हाँ अब जाना जो नया सिखाना, जीवन की बातों को नए ढंग से है समझाना। सिर्फ कहने से बात न बनती, आंखों से दिखलाएं। गीता की कक्षा में जाकर जरा देखकर आए, बिना जीव की सांस से लो भस्म हो जाए।
क्या बात है जमीला, इतनी चुप चुप क्यों है? नहीं तो झगड़ा हुआ है घर में? नहीं तो कल हम डाकखाने गई, हमने सोचा कि शकील भाई को हम ही मनी ऑर्डर भेज देंगे। वहां पर जब मनी ऑर्डर फॉर्म भरने की कोशिश की तो पता चला कि हमसे तो हो ही नहीं रहा। दीदी हम तो सोच रही थी कि हम सब पढ़ लिख गए हैं, घर लौटी तो इन्होंने भी पूछ लिया, इतना बुरा लगा बताते वक्त। तो क्या किया तूने, उन्हीं से भरवाया फॉर्म? ना हमने भेजा ही नहीं, हमने कह दिया हम खुद ही भरेंगी क्लास में। ये देखो दीदी, देख कोई भी काम शुरू करो तो शुरू शुरू में मुश्किल तो आती ही है ना, और फिर मनी ऑर्डर फॉर्म भरना तो जरा मुश्किल होता है। देख मैं बताती हूँ, ये ले, यहाँ पर जो रुपए भेजने हैं उन्हें शब्दों में लिख दो और यहाँ पर उन्हीं रुपयों को गिनती में लिख दो, फिर जिसे मनी ऑर्डर भेजना है उसका यहाँ पर पूरा नाम और फिर उसका भेजने वाले का नाम व पूरा पता, मतलब अपना नाम और अपना पूरा पता लिखना है जी। और उसके बाद रुपए और पैसे फिर लिख दो ताकि ये पास में प्रमाण रहेगा कि इतने पैसे तुमने भेजे थे। ठीक है जी। मैं तो खुद भी हैरान हूँ कि काम कितना आसान हो गया है, मेरे तो तीनों प्राइमर 6 महीनों में ही खटाखट खत्म। और ये सब हुआ कैसे? ये हुआ IPCL की किताबों और दो और लोगों की मदद से।